मोमबत्ती नहीं है गांव जिले में मुंह में मोह डाला है वो क्या करते हैं दफ्तर में भी तो आया था स्टार्टिंग में भी इसको कर दूं ये भी बोला हां वो मेरे ऑफिस आया था मैं कहा आप उधर देखो हम आ रहे हैं आज से कर दे कैसे सुबह फोन किया फॉर्मेलिटी उससे भी नहीं होनी है जो लाइफ लाइन है सर इनको मिलके चलाना पड़ेगा सही होगा सच कह रहे हैं इसमें स्पेशल तो क्राइटेरिया होगा सर बिल्कुल सिर्फ डॉक्टर पे ना और ये जेल बोली सर इनकी काउंसलिंग है जेल 150 किलो वजन होगा जो बंदा पकड़ा है आप उसको फाइट वाला पकड़ आप तो बोला वो फाइट वाला पकड़ जब ये वाला तो था जो लड़का था जो बंगलवाल का जो सच सच सामने आया वही बॉक्सर है क्या कह रहे हो बोला तो ये बॉक्सर कह रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने इतला की हुई है सीआईडी डिपार्टमेंट को इतला की आप उसको सील नहीं कर सकते कर दिया हुआ है मैंने क्या किया आपको यू आर डूइंग आई एम जस्ट विद मी मैं क्या कर रहा हूं आपको कहां गई कब गई कल सवेरे की गई कुछ मार दी या कुछ कह दे कुछ आप लोगों ने परमिशन वगैरह कुछ सर ये फोटो लेने वाली है अब नीचे चुकी कर देगा यहाँ यहाँ पर छे
डीसी साहब ने बनाई हुई है जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई गई है। इसमें तहसीलदार साहब, सीएमओ साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल अफसर और डीएसपी साहब उस कमेटी के मेंबर्स हैं। कमेटी के देखिए, हमारा हम ये सेंटर बंद कराने नहीं आए हैं। हमारा ये है कि जो सेंटर हैं ये स्मूथली चले, अंडर रूल्स चले और जो भी एक्ट प्रोविजन है उसके तहत ही चले। हमने जो सेंटर विज़िट किए हैं, पहले भी हमने विज़िट किए, उनको वार्निंग दी कि अपनी वो जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल करें। आज हम आए थे, आज हमने 5 सेंटर सील किए हैं। इसके अलावा और भी सेंटर, ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि 5 पे रुकेगी। और भी सेंटर हैं, कुछ सेंटर्स ने हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में दिए हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट हैं, वो अभी उस स्टेज पे नहीं है कि उनका सैंक्शन हो जाए। और हमने इनको बोला है कि अब वो पेशेंट तभी रखेंगे जब इनकी सारी जो लीगल कंडीशन वो फुलफिल हों।